दोस्तों, ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत के उदय से और बढ़ते जियोपॉलिटिकल पावर से असहज महसूस कर रहा है, और ऐसा लगता है मानो कि अमेरिका ने भारत की इमेज को खराब करने का कसम खा रखा है, जो कई विशेषज्ञ लोगों का मानना है कि यह भारत के बढ़ते प्रभाव को कम करने के प्रयास हैं। हाल ही में खबरें आई हैं कि अमेरिका ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल, जो अक्सर भारत के जेम्स बॉन्ड के रूप में जाने जाते हैं, को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोर्ट के समन्स भेजे हैं। अमेरिका ने पहले भारत को इन आरोपों का जवाब देने के लिए 21 दिन दिए थे, लेकिन भारत ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर अपना प्रभावशाली जवाब दे दिया, जिससे अमेरिका चकित रह गया। दोस्तों, भारत के इस मजबूत और त्वरित जवाब ने विश्व भर में भूचाल ला दिया है। अमेरिका का भारत को नीचे दिखाने का प्रयास उल्टी दिशा में चला गया, और दुनिया आज देख रही है कि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, चाहे वह अमेरिका जैसा सुपर पावर ही क्यों ना हो। अमेरिका के कोर्ट द्वारा लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं, जिसमें सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अन्य उच्च अधिकारियों का नाम शामिल है, जो साफ तौर पर भारत की छवि को बदनाम करने की कोशिश लगती है। दोस्तों, यह पूरा मामला खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर गुरुप्तवंत सिंह पन्नू से जुड़ा है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन 6 for Justice SFJ का मुखिया है। पन्नू ने काफी समय से खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राज्य बनाने की मांग को समर्थन दिया है। यह विवाद नवंबर 2023 में शुरू हुआ था, जब पन्नू ने भारत पर अपनी हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया था और कहा था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने उसको मारने के लिए एजेंट्स भेजे। पन्नू का कहना था कि US की एजेंसीज ने इस योजना को फेल कर दिया था। उस समय अमेरिका ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इन आरोपों को नई गति दे दी है। पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कमेंटेटर को तमाचा मारने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भारत से संबंधित तमाम इंटरनेशनल खबरें आपको मिलती रहें। दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि भारत ने सीधे तौर पर पन्नू को निशाना बनाने की कोशिश की, जो कि कनाडा और अमेरिका का ड्यूअल सिटीजन है। अमेरिका का यह भी दावा है कि निखिल गुप्ता नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो इस प्लॉट का मध्यवर्ती था। इस अरेस्ट के आधार पर अमेरिका ने भारत के प्रमुख अधिकारियों को, जैसे NSA अजीत डोभाल, फॉर्मर RIV चीफ सामंत गोयल, RIV एजेंट विक्रम यादव और प्रधानमंत्री मोदी को समन्स भेजे हैं। इन समन्स का मतलब है कि इन अधिकारियों को एक US कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा और अपने प्रति लगाए गए आरोपों का जवाब देना पड़ेगा। अगर यह कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो कोर्ट अन्य कदम उठा सकता है। दोस्तों, इन आरोपों का समय भी काफी चिंतन का विषय है, क्योंकि यह तब आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी UNGO में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका यह कहना चाहता है कि मोदी जी और उनकी टीम जब UN की बैठक में भाग लेने आएंगे तो उन्हें US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हाजिर होना चाहिए। लेकिन भारत का इन आरोपों पर जवाब काफी मजबूत और स्पष्ट रहा है। दोस्तों, भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में यह साफ कर दिया है कि वह ऐसे टैक्टिक से बिल्कुल भी नहीं डरेगा। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने अमेरिका के आरोपों को आधारहीन और निराधार बताकर खारिज कर दिया। एक सख्त शब्दों में दिए गए बयान में मिश्री ने अमेरिका के इस दावा को सीधा नकार दिया कि भारत पन्नू को मारने की कोशिश में शामिल था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास इस तरह के आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है और भारत का इस राजनैतिक या योजना में कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, मिश्री ने इससे भी आगे जाकर कहा कि भारत का SFJ और पन्नू के प्रति स्थिर दृष्टिकोण बदलने वाला नहीं है। भारत ने SFJ को अनलॉवल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UPAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित किया है और पन्नू को आतंकी घोषित किया गया है। मिश्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह घोषणा तब भी सही थी और आज भी सही है। भारत के लिए पन्नू पहले भी आतंकी था और आज भी आतंकी है। भारत किसी भी बाहरी दबाव से अपना रुख नहीं बदलेगा, खासकर अमेरिका जैसा देश अगर दबाव बनाता है तो भी नहीं। दोस्तों, अपने बयान में मिश्री ने अमेरिका पर भी निशाना साधा।
और कहा कि पहले अमेरिका अपने देश में मौजूद आतंकवादियों को पकड़े, उसके बाद भारत के अधिकारियों को समन करे। यह स्टेटमेंट भारत के अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड्स वाली नीति के प्रति निराशा को दर्शाता है। जब अमेरिका भारत पर इल्जाम लगाने में इतना तेज है, तो वह अपने देश में जो खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं उन पर कदम क्यों नहीं उठाता? दोस्तों, भारत का अमेरिका के आरोपों के प्रति दिया गया जवाब साफ दर्शाता है कि भारत अब विश्व मंच पर अपनी बढ़ती हुई आत्मविश्वास को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। कई समय तक भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा गया जो आसानी से बाहरी दबाव में आ जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक ताकतवर और प्रभावशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया है, जो किसी के सामने नहीं झुकेगा, चाहे वह अमेरिका जैसा सुपर पावर ही क्यों ना हो। भारत का संदेश स्पष्ट है, वह अपनी प्रभुत्व को खत्म करने या अपनी छवि को बदनाम करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम विश्व की शक्ति संतुलन में बदलते समीकरणों का भी प्रतीक है। अमेरिका, जो कभी दुनिया का अविनाशी नेता माना जाता था, आज नए ताकतवर देशों जैसे भारत के समक्ष चुनौतियों का सामना कर रहा है। जैसे जैसे भारत का प्रभाव और भी बढ़ रहा है, खासकर यूएनएससी मेंबरशिप के प्रति उसकी दावेदारी के साथ यह साफ होता जा रहा है कि विश्व का शक्ति संतुलन बदल रहा है। ऐसे देश जो लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपना हावी राज रखते आए हैं, आज नए खिलाड़ियों जैसे भारत से सामना कर रहे हैं, जो कि अपनी जगह मांग रहे हैं। दोस्तों, अंत में भारत और अमेरिका के बीच का यह वर्तमान स्थिति भारत के विश्व मंच पर उभरते शक्ति के प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है। दुनिया का ध्यान अब भारत की ओर है। जब भारत अपनी स्थिति को स्पष्ट और समर्थपूर्ण तरीके से प्रदर्शित कर रहा है, साफ है कि भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका के प्रयास भारत की इमेज को खराब करने के लिए असफल रहे हैं और भारत का मजबूत जवाब उसकी स्थिति को और भी मजबूत कर रहा है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, यह निश्चित हो चुका है कि भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की ओर बढ़ रहा है, और कोई भी, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, इस राह में रुकावट नहीं डाल सकता। जब अमेरिका भारत पर इल्जाम लगाने में इतना तेज है, तो वह अपने देश में जो खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं उन पर कदम क्यों नहीं उठाता? दोस्तों, भारत का अमेरिका के आरोपों के प्रति दिया गया जवाब साफ दर्शाता है कि भारत अब विश्व मंच पर अपनी बढ़ती हुई आत्मविश्वास को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। कई समय तक भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा गया जो आसानी से बाहरी दबाव में आ जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक ताकत